सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो ये आज है हमारा वीडियो पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज 2.2 आज करेंगे हम। 2.1 हमने प्रीवियस वीडियो में करा था, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2.2 का। इसमें जो क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमको, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x0, x-k1 और लास्ट दे रखा है हमको x-k2। तो इनकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस यदि हम इस पूरे इक्वेशन में 0 को पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा, एक्स की जगह पे -k1 को पुट कर दें तो क्या आएगा, और लास्ट आता है एक्स की जगह पर 2 को पुट कर दें तो क्या आएगा। तो आइए देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपली जहां जहां पर x दे रखा है वहां वहां पर इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो 5x मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है आगे, 5 का मल्टीप्लाई 0 में तो आता है 0, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यदि हम 0 से करते हैं तो 0 ही आता है। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, अब 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर होता है हमारा 0 ही होता है, प्लस 3। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप, वो क्या है, 0 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 0 से तो सेम है 0 प्लस 3। अब क्या आएगा देखिए, 0 में से 0 गए तो 0 ही बचा और प्लस कर देंगे हम उसमें 3, तो 0 में से 0 गया तो 0 और प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा हमारा, ठीक है ना, क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 0 में से 0 गया तो 0, अब 0 में हम यदि प्लस करेंगे 3 तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ आएगा 3। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्व। ऐसे हम करते हैं सेकंड, हमको क्या रखना है, इसके पर माइनस के 1 रखना है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, अब मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर सेम रखता हूं, ठीक है ना, मेरे को बस वैल्यू पुट करनी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में माइनस के 1 का होल स्क्वायर। याद रखना दो कभी भी जो ऑपरेशन से मीन सिंबल है प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब सेम नहीं आते एक साथ, इसलिए मैंने ब्रैकेट भी लगाया है, और वैसे भी उसके साथ स्क्वायर है, प्लस आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। आगे 5 का मल्टीप्लाई बाय, जब हम माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम आंसर आएगा हमारा 1। अब आप कहोगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 नहीं आएगा क्योंकि जो पावर है हमारी वो पावर इवन नंबर है ना कि ऑड नंबर। यदि ऑड नंबर होता तो माइनस के 1 आता, जैसे पावर 3 होती तो माइनस के 1 आता, ठीक है ना, प्लस 3। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखिए माइनस के 5 माइनस के 4, क्योंकि 4 का 2 1 किया माइनस के 4 प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 9 प्लस 3। यदि हम माइनस के 9 में से प्लस का 6 करें तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 है तो कितने बचे, ये हमारे बचे 6, बट माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है वो बड़ी है, ठीक है। ऐसे हम करते हैं लास्ट वाला, इसके साथ क्या करना है देखिए, इस बार हमको x की जगह पर 2 रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। अब देखिए 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस 3, या 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यदि हम लगाएं तो पहले प्लस होता है, तो प्लस ये भी प्लस, ये प्लस की वैल्यू क्योंकि इसकी साइन आगे है और इसका साइन ये रहा, तो माइनस का 16 है, तो प्लस का 10 प्लस का 3 हो गया 13 माइनस 16, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है ना, क्योंकि 13 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आइए करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सॉरी मेरे से गलत डल गया है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 क्या कह रहा है समझिएगा, बुक में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, फाइंड P0 P1 एंड P2, मीन्स जो P की जो वैल्यू रखनी है हमको एक बार, मतलब कि यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको एक बार दिक्कत दिखा देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन में है वो दे रखा है P0, P1
एंड सॉरी ये पी ये टू इस प्रकार से दे रखा है। मीन्स के कहने का मतलब है कि जो पी के साथ जो यूज हो रहा है मीन्स मतलब कि वो एक वेरिएबल की वैल्यू है। मीन्स जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उसमें हमको जीरो रखना है, वन रखना है और टू रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दे रखा है। पहला है जो हमारा वो इक्वेशन है वो क्या दे रखा है, पी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन दे रखा है। तो जहां जहां पर ये मेरा वाई है वहां वहां पर क्या रखना है, एक बार जीरो रखना है, एक बार वन रखना है, एक बार टू रखना है मेरे को। ठीक है, एक एक बार इन वैल्यू को रखना है। तो देखिए क्वेश्चन तो मेरा मिल गया मेरे को क्या, वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के वन, इसको मैंने लिख लिया। अब देखिए वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर पहले आप एक वैल्यू को लेते हैं मीन्स पी जीरो को लेते हैं, तो आप साइड में लिख सकते हैं पी जीरो इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर है तो मतलब वाई की जगह पर क्या रखना है, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। ठीक है, इस वन में आ गया, बस मैंने वैल्यू पुट की है। तो जीरो का स्क्वायर यदि हम करें तो जीरो ही आएगा, माइनस जीरो प्लस वन, जीरो में से जीरो गया क्या आ गया जीरो, प्लस वन करें हम यदि तो कितना आएगा, ये आएगा वन हमारा। तो पहला क्या आ गया वन। अब इसी क्वेश्चन में हम करना है वैल्यू हमको वन को पुट, तो देखिए पुट करते हैं वन को, तो पी वन आप लिख लीजिए इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के वन। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं वन का, तो वन का स्क्वायर माइनस के वन प्लस का वन, तो देखिए इसमें क्या हो गया, वन का स्क्वायर करें तो वन ही आएगा, माइनस के वन प्लस का वन, देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस कट गए, बचा गया हमारा सिंपल वन बचा, वो भी पॉजिटिव का, तो ये हो गया दूसरा हमारा। इस बार क्या करना है हमको, इस बार वैल्यू पुट करनी है पी टू, तो आप यहां पर कर सकती हैं पी टू वैल्यू। क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के वन, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो वाई की जगह पर क्या रखना है इस बार टू रखना है, तो टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस के वन, तो टू का स्क्वायर हो गया हमारा फोर माइनस टू प्लस वन। अब फोर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पहले प्लस होगा, तो फोर प्लस वन कितना हो गया हमारा फाइव, माइनस टू इक्वल टू फाइव, में से टू है तो हमारे बचे थ्री, तो ये हो गया हमारा थ्री। ठीक है, तो ये हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है ना, आइए अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट में भी सेम है हमारा, वैल्यू तो तुमको याद है, पी की जगह पर जीरो रखना है, एक बार मैं साइड में यहां पर लिख देता हूं, पी की जगह पर मेरे को रखना है जीरो, एक बार रखना है पी की जगह पर वन, और एक बार रखना है पी के जगह पर हमको एक्स की जगह पर टू, कोई भी हमको ये वेरिएबल दे रखे होंगे उसकी जगह पर ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए इस बार क्या दे रखा है हमको इक्वेशन में, ये दे रखा है टू प्लस टी प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो देखिए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं हम इस क्वेश्चन में, तो टू प्लस टी और टी की जगह पर क्या रखना है मेरे को, एक बार जीरो, पहले यहां पर आप साइड में लिख सकते हैं पी इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं जीरो लेकर के चल रहे हैं, तो टू प्लस टी की जगह पर रखना है मेरे को जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर, इसका साथ स्क्वायर है इसके साथ स्क्वायर कर दिया, माइनस टी का क्यूब, टी का क्यूब मतलब कि जीरो का क्यूब करना है इस बार मेरे को। ठीक है ना, तो देखिए टू प्लस जीरो तो हो गया मेरा टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो का क्यूब जीरो इक्वल टू टू प्लस टू का इंटू जीरो करेंगे तो जीरो माइनस जीरो इक्वल टू टू प्लस जीरो में से जीरो गया तो जीरो, तो ये क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर टू आ गया मेरा। ठीक है, ये आ गया टू। अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस बार जो वैल्यू है उसको हमको वन रखनी है। तो ठीक है, तो देखिए वन रखते हैं इसमें, तो पी वन यहां पर ले सकते हैं पी वन। अब देखिए टू प्लस इस बार टी आया तो टी की जगह पर क्या रखना है हमको वन रखना है, तो यहां पर लिख देंगे वन प्लस टू और क्या करना है टू इंटू वन का स्क्वायर, क्योंकि टू टी का स्क्वायर था और टी की जगह पे क्या रखना है हमको वन रखना है, तो टी का स्क्वायर माइनस माइनस आएगा यहाँ पे सॉरी, तो माइनस टी क्यूब, टी क्यूब मतलब कि वन का होल क्यूब। अब देखिए टू प्लस वन तो हो गया मेरा थ्री प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर क्या होता है वन ही होता है माइनस वन का क्यूब वन होता है इक्वल टू, देखिए थ्री प्लस टू इंटू वन टू माइनस वन, तो थ्री और टू कितने हो गए मेरे, ये हो गए फाइव माइनस के वन, तो आ गया मेरा आंसर फोर। ठीक है, अब ऐसे ही हम पुट करते हैं टी की जगह पर टू। ठीक है, अब देखिए
यहां पे लिख सकते हैं हम पी टू। तो देखिए पी टू की क्या करना है, क्वेश्चन तो हमारा सेम है। अब देखिए टू प्लस, इस बार टी है हमारा, तो टी की जगह पे रखना है टू प्लस टू इंटू टू का होल स्क्वायर माइनस टू का होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए टू प्लस टू हो गया मेरा फोर, प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर कितना है फोर, माइनस टू का क्यूब कितना होता है, टू का क्यूब मतलब कि टू इंटू टू इंटू टू, तो टू टू जा फोर, टू जा एट, तो ये हो गया मेरा एट। अब देखिए फोर प्लस फोर टू जा एट माइनस एट, ये आ गया। अब एट प्लस फोर तो हो गया मेरा ट्वेल्व माइनस एट, ये आ जाएगा मेरा आंसर फोर, ठीक है, ये आ गया मेरा फोर। ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। आइए करते हैं अब हम थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट है मेरा पी एक्स एक्स क्यूब, मतलब कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, मेरे को पता है वैल्यू कौन कौन सी रखनी है मेरे को, जीरो वन और टू। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पी जीरो इक्वल टू क्या रखना है, एक्स की जगह पर जीरो रखना है, तो जीरो का आप करेंगे क्यूब, तो जीरो का क्यूब कितना होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। अब हम रखें पी की जगह वन रखें यहाँ पर एक्स की जगह पर, तो वन का होल क्यूब, तो वन का होल क्यूब क्या होगा, ये वन ही होगा, तो इसका आंसर हो गया वन। अब यदि हम करें पी टू तो यहाँ पे क्या होगा, टू का होल क्यूब, और टू का होल क्यूब क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू एट होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। आइए करते हैं अब हम फोर्थ पार्ट, आइए हम करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में। तो देखिए हमको सिंपल करना क्या है, एक्स की जगह पर एक बार जीरो रखना है, एक बार वन रखना है, एक बार टू रखना है। तो देखिए रखते हैं वैल्यू सिंपल, ये तो वन हो गया एक्स की जगह पर, माइनस वन तो दे रखा है, अब यहाँ पे वन प्लस वन ये है, ठीक है। तो वन में से वन गए तो बचा मेरा जीरो, वन प्लस वन होता है मेरा टू। तो अब इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो टू का मल्टीप्लाई जब हम जीरो से करेंगे तो आएगा मेरा जीरो। यदि हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पी जीरो, ठीक है। अब हम पी वन लेंगे, अब वन वैल्यू पुट करनी है हमको, तो देखिए एक्स की जगह पर वन करिए, वन माइनस वन, सॉरी ये मेरा यहाँ पर जीरो आएगा, सॉरी ये जीरो होगा, जीरो जीरो माइनस वन ये भी मेरा जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा गलत हो गया, आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। जीरो रखनी थी ना मेरे को वैल्यू, तो जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, जीरो में से माइनस के वन गया तो मेरा क्या बचेगा, माइनस के वन बचेगा, और जीरो प्लस वन, जीरो में मैं प्लस वन करता हूं तो मेरा वन ही बचेगा, ठीक है। अब माइनस के वन प्लस का वन, तो माइनस के वन का मल्टीप्लाई जब हम प्लस के वन से करेंगे तो आंसर आएगा मेरा माइनस के वन, ठीक है, ये बात मिस्टेक हो गया। अब हमको वैल्यू करनी है पुट वन की, तो वन माइनस वन, क्योंकि एक्स की जगह पर वन रखा और माइनस का वन तो देख रखा था, नेक्स्ट ब्रैकेट में वन प्लस वन, ठीक है। तो वन में से वन गए तो जीरो हमारा एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में वन प्लस वन टू। अब जब हम टू का मल्टीप्लाई हम जीरो से करेंगे तो आंसर आएगा मेरा जीरो। अब हमको लास्ट वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है वो पी टू। तो देखिए पी टू की जगह पर क्या करना है, तो एक्स की जगह पर टू माइनस क्या करना है वन, और क्या करना है टू प्लस वन, ठीक है। तो टू माइनस वन किया तो वन आया पॉजिटिव का, ठीक है ना, और टू प्लस वन किया तो थ्री आया, और थ्री का मल्टीप्लाई जब हम वन से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा थ्री, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर किया फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 2.2 का। थैंक यू।